हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। सो गाइस, आज हम आए हैं यामा के शोरूम में, यामा करनाल में। दिस इज पंकज, यामा शोरूम का जो नाम है। और हमारे पीछे है यामा R15। ये एम वेरिएंट नहीं है, बेसिकली ये है R15 V4 जो वेरिएंट है, लेटेस्ट वाला। ये ब्लैक वेरिएंट है और देखते हैं गाड़ी कैसी लगती है। लेट्स गो। ये कुछ करता है, साथ ही आपको यहाँ पर मिल जाती है यामा मोटरसाइकिल कनेक्ट, जो कि आपके स्मार्टफोन के साथ बिल्कुल कनेक्ट हो जाएगा। आप अपने फ़ोन की इन्फॉर्मेशन यहाँ देख सकते हैं। और जो भी है, मतलब गाड़ी का जो लुक है वो कंपनी ने बहुत ही प्यारा बना दिया है। मतलब पहले के मुकाबले आप बेसिकली, मतलब यहाँ देख सकते हैं, ये V3 खड़ी है हमारे सामने। ये भी बहुत ही प्यारी यामा का ऑलमोस्ट बहुत ही सक्सेसफुल प्रोडक्ट रहा है, यामा R15 V3। अभी लेटेस्ट जो V4 वेरिएंट है, अभी देखना ये है कि ये क्या कुछ करती है मार्केट के अंदर। बाकी जो इन्होंने सेगमेंट जो डिज़ाइन अभी किया है यामा ने, वो इतना खतरनाक लेवल का कर दिया कि मतलब 300 cc तक की बाइक को कंपटीशन दे रही है गाड़ी लुक के मामले में। और भागने में भी बहुत अच्छी है, वीडियोस हम देख चुके हैं यूट्यूब पे, 153 टच कर चुकी है बाइक टॉप स्पीड में। तो आई गेस कि कोई शक नहीं है कि 150 cc सेगमेंट में इससे बेहतर बाइक इंडिया में नहीं है। ठीक है, मतलब बहुत सी चीज़ें हैं जो कंपनियां बहुत है ट्राई करने को कि हम भी इंडिया में लेकर आ रहे हैं 150 cc, जैसे अप्रीलिया है। बट अभी तक का क्या है कि उनका कोई भी क्लू नहीं है कि कब वो आ रही है कब नहीं आ रही, इसका डायरेक्ट कंपटीशन क्या है। इवन KTM की जो 200 cc बाइक है उसको भी टक्कर दे रही है यामा की R15। जो V3 है वो ही बहुत अच्छी टक्कर देती थी, और V4 के तो कहने ही क्या है। तो बहुत ही प्यारी मोटरसाइकिल लगी है, और आप बताएं कि आपको ये कैसी लगी है। तो साथ ही जो अच्छी बात ये है कि यामा ने क्या किया है, अभी सभी कंपनीज़ के लिए ये गवर्नमेंट ने पॉलिसी लागू कर दी है कि BS6 वेरिएंट जो है वही आते हैं। और उसमें क्या होता है कि जो पोल्यूशन नॉर्म्स हैं वो थोड़े और इंक्रीज कर दिए, ताकि पोल्यूशन जो है गाड़ी थोड़ा कम करे। अब जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं, ये इसका एग्जॉस्ट है, इसके अंदर लगा है O2 सेंसर। तो ये O2 सेंसर, और फिटिंग जो है इसकी ऑलमोस्ट सेम पहले वाली होगी, क्योंकि इंजन ऑलमोस्ट सेम है। स्लीपर क्लच आता है, जैसे कि क्विक शिफ्टर है, ट्रैक्शन कंट्रोल है, ये जो चीज़ें हैं ये फीचर कंपनी ने दे दिए हैं ऐड ऑन। और पहले के मुकाबले जो प्राइसिंग है, प्राइसिंग में जो फ़र्क है वो 8 से 9 हज़ार रुपये का फ़र्क कंपनी ने इसके अंदर में दिया है। तो मुझे नहीं लगता कि 8-9 हज़ार कोई ज़्यादा है, आपको इतने फीचर इसमें मिल रहे हैं। तो और साथ ही साथ आप ये भी देखिए कि जब हम गाड़ी को करते हैं ऑन, ठीक है, तो अभी कंपनी ने क्या कर दिया है कि DRLs जो हैं, DRLs तो अपने मतलब ऑन ही मिलेंगे आपको। जब आप इग्निशन ऑन करते हैं तो DRL जो है वो आपके ऑन हो जाते हैं, जो देखने में बहुत ही प्यारे लगते हैं, बहुत ही अच्छा सा एक लुक देते हैं। और जो डिज़ाइनिंग की अगर मैं बात करूँ, तो लेटेस्ट जो यामा ने अपना एक प्रोडक्ट लॉन्च किया था वो था R7। तो R7 से इंस्पायर्ड इसकी डिज़ाइन है, और जो R15M है उसका जो पेंट है, जो कलर स्कीम है उसकी, वो आती है R1M से इंस्पायर्ड होके। तो मतलब दो बाइकों का एक प्यारा सा कॉम्बिनेशन बना के यामा ने एक छोटे सेगमेंट में गाड़ी निकाल दी है, और गाड़ी बहुत ही प्यारी लग रही है देखने में, परफॉर्मेंस भी बहुत अच्छी है। हम यूट्यूब पर बहुत सी वीडियोज़ देख चुके हैं, तो आई होप कि आप सबको यह वीडियो अच्छा लगा हो। जो साउंड है वो बहुत स्मूथ हो गया है इसका पहले से, और BS6
6 कॉम्प्लेंट के साथ ये आती है। यहाँ पर आपका है ऑटो सेंसर, एग्जॉस्ट की फिटिंग ऑलरेडी जो पहले वाला है ऑलमोस्ट वैसी ही है, तो इसका भी कुछ सोल्यूशन हम करेंगे बिल्कुल इन फ्यूचर। आई होप कि आप सबको वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, क्योंकि गाड़ी जो है वो इतनी प्यारी है, यामा ने क्या मतलब गेम ही चेंज कर दिया अप टू 300cc सेगमेंट की जो बाइक्स हैं उन सब में। तो आई होप कि वीडियो अच्छा लगा होगा, तो वीडियो अगर पसंद आया तो इसको एक लाइक देना, अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना और रॉर एग्जॉस्ट चैनल को सब्सक्राइब करना। तो चलते हैं, मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, सी यू।